So our journey started with KSR SBC, Krantivira Sangoli Rayanna KSR. The code is SBC. The station is called Bangalore Junction या Bangalore City Station. और आप देख सकते हैं हमारी अप्रोच साफ सुथरा है. अब बेंगलोर इज़ नोन फॉर अ वेरी कंजस्टेड मेट्रोपॉलिटन नाउ, और बहुत ज़्यादा रश होता है. तो आप ध्यान रखिए कि अगर मेट्रो मिलती है तो आप मेट्रो का यूज़ करिए, अदरवाइज़ आप समय लेकर आइए, क्योंकि मजेस्टिक में इंटरस्टेट बसेस और बसेस का पूरा वो स्टेशन है, और बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और आपको लेट हो जाएगा. सो टेक केयर ऑफ दिस. सम ट्रिवियस, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट देर आर 37 स्टेशन, 37 स्टेशन हैं बैंगलोर डिस्ट्रिक्ट में. और देखिए ये कर्नाटका एक्सप्रेस खड़ी हुई है, ये राजधानी से पहले खुलेगी. तो वॉचिंग दिस क्लीन एंड वेल डन एस्केलेटर्स, वी कुड नॉट, बिकॉज हमें पता नहीं था कि ये एस्केलेटर्स लगे हुए हैं, हमने काफ़ी खोजा. लेकिन ये एस्केलेटर्स की एंट्री जो है वो फ्रंट से ही है. आप जब एंटर करेंगे तो एस्केलेटर्स देख कर ही ऊपर आइएगा. स्टेयर से काफ़ी हमें मुश्किलें और दिक्कतें हुई थी, तो वी वर सर्चिंग के एस्केलेटर्स कहाँ हैं. सो दिस इज़ अ यूजफुल इन्फॉर्मेशन अ बिट फॉर यू. मेजर स्टेशन में से यशवंतपुर जंक्शन, कृष्णराजपुरम, SMVT, SBC दैट इज़ द बेंगलोर सिटी जंक्शन, वाइट फील्ड सेटेलाइट, बनसवाड़ी, सो मैनी स्टेशन्स आर देयर जो कि बेंगलोर में है, मेन सिटी में है. और अब सामने राजधानी की शंटिंग हो चुकी है. और मित्रों एक और ख़ास बात कि ये जो स्टेशन है SBC जिसका कोड है दैट इज़ हैविंग अ 10 प्लेटफॉर्म्स. तो 8 प्लेटफॉर्म पे राजधानी आती है. और मैं यहाँ से ही आपको बता रहा हूँ क्योंकि तो मुझे खास पता नहीं था. और आप देखिए राइट साइड में आप थोड़ा ट्रेवल करिए एस्केलेटर से नीचे उतरने के बाद टुवर्ड्स नॉर्थ, तो आपको दिखाई देगा कि आप डायरेक्टली भी मेजेस्टिक से प्लेटफॉर्म 8 पे आ सकते हैं. और मैं आपको ये वेस्टिब्यूल भी दिखा रहा हूँ. और जो राजधानी थी वो काफ़ी आगे रुकी थी, और काफ़ी आगे हमारा H1 फर्स्ट AC था. तो हम जब चले तो हमें पूरा का पूरा स्टेशन दिख गया. देखिए दाएं तरफ से भी आप एंट्री ले सकते हैं इस स्टेशन पे. और इसलिए आप पूरी जानकारी रखिए कि आप किस तरीके से बैंगलोर स्टेशन आ सकते हैं. जिस तरीके से हम आए वो एक कन्वेंशनल था जैसे एक नॉर्मल स्टेशन होते हैं, लेकिन हमें अगर ये पता रहता कि हम डायरेक्टली अपने कार के साथ या एंटर कर सकते हैं तो हमारे लिए और भी ईजी और सुगम होता. और एस्केलेटर्स भी हमें पता नहीं थे कहाँ से किस तरफ से चढ़ना है, तो हमने तो फिलहाल नॉर्मल स्ट्रेस से चढ़ा. लेकिन मैंने देखा कि एस्केलेटर्स हर जगह लगे हुए हैं, एक्सेप्ट दैट वी डोंट नो कि वेयर दे आर. SBC राजधानी रन्स फ्रॉम बेंगलोर सिटी टू हजरत निजामुद्दीन न्यू दिल्ली डेली बेसिस. 7:50 पे दिल्ली से छूट के 5:20 पे यहाँ पहुँचती है बेंगलोर, और बेंगलोर से 8 बजे सुबह 5:30 पे निजामुद्दीन न्यू दिल्ली पहुँचती है. लगभग 2365 किलोमीटर्स की जर्नी, और 14 स्टेशन पर रुकती है. इसकी एवरेज स्पीड 71 किलोमीटर पर आवर है. इसमें LHB कोचेज होते हैं, दैट इज कॉल्ड लॉरेन हॉफमैन बाश कोचेस, टेकन बाय अल्स्टॉम. 1998 में ये शुरुआत हुई. बाकी जितने भी कोचेज आप देख रहे हैं वो ICF इंडियन कोच फैक्ट्री कपूरथला से बने हुए हैं, लेकिन अब LHB भी कपूरथला में बन रहा है. और ये नॉन टेलीस्कोपिक है, दैट मीन्स लड़ते समय ये एक के अंदर एक नहीं जाता है, तो डैमेज कम होता है लोगों का भी और सामान का भी. और वॉशरूम को मैंने कवर अप किया, इट्स क्वाइट क्लीन, अच्छा है, साफ़ सुथरा है. लेकिन पुराने बने हुए कोचेज़ हैं, इनको मेंटेन नहीं किया गया है. मुझे लगता है बहुत जल्दी राजधानी को मेंटेन करना चाहिए, या वंदे भारत स्लीपर कोचेज़ जो अगले साल से शुरू हो रही हैं वो भी राजधानी को, तेजस के बाद. तेजस इज़ अ सेकेंड जनरेशन राजधानी, और उसके बाद अब मुझे लगता है वंदे भारत स्लीपर कोचेज़ अगले साल से इनको रिमूव कर देगी. क्योंकि अब देखिए ये पुराने टेपेस्ट्री, पुराने पर्दे लगे हुए हैं, टूटे भी हैं कई जगह से. इवन अटेंडेंट को बुलाने के लिए जो घंटी का बैल होता है, इट्स नॉट वर्किंग, तो कोई यूज़ नहीं है उसका. जगह जगह चिप्पी लगी हुई है, टेप्स लगे हुए हैं, कलर्स के भी स्टेन पड़े हुए हैं. आप देख सकते हैं खाना रखने की जगह, ऊपर की लाइट्स को भी नहीं बंद कर सकते हैं हम, उस पर भी टेप लगा कर रखा हुआ है. यहाँ पे भी देखिए टेप लगे हुए हैं. तो कुछ चीज़ों को मेंटेन रखना चाहिए, बिकॉज ऐसा प्रीमियम ट्रेन. बैंगलोर एक अच्छी सिटी है और काफ़ी लंबा सफ़र है. आप जानते हैं कि ये स्टेशन आप देखिए, सबसे बड़ा जो सफ़र है वो विवेक एक्सप्रेस पूरा करती है, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है. दैट इज़ मोर देन 4,000 किलोमीटर्स, और 75 आवर्स लगभग जर्नी के लेती है. और
और सबसे ज़्यादा कोचेस लगती हैं दो ट्रेन्स में, एक तो हैदराबाद विशाखापट्टनम गोदावरी सुपरफास्ट है, दूसरी न्यू दिल्ली इलाहाबाद प्रयागराज एक्सप्रेस है, दोनों में 25 से लेकर 26 कोचेस लगती हैं, ICF कोचेस लगती हैं। अब धीरे धीरे करके ICF कोचेस LHB के द्वारा रिप्लेस हो रही हैं और समय के साथ ये भी रिप्लेस होते हुए वंदे भारत में कन्वर्ट हो जाएंगी, कुछ तेजस की न्यू कोचेस के साथ रिप्लेस हो चुकी हैं। और देखिए बैंगलोर को हम छोड़ रहे हैं, बैंगलोर इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, सिटी ऑफ गार्डन, बहुत सारे पेड़ है, मैंने तो देखा है कि पेड़ जैसे हमारे यहाँ इवन उत्तराखंड और दिल्ली यूपी हरियाणा हर जगह पेड़ काट के हम रोड्स बना रहे हैं पिछले कई सालों में, लेकिन बैंगलोर में मैं इतने पुराने पेड़ इतने ऊंचे पेड़ देखा हूँ। मे भी जो क्लाइमेट है वो भी ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, लगभग पानी गिरता रहता है, धूप भी निकलती है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है, ठंडा नहीं है, एलिवेशन काफ़ी हाई है, तो फौना फ्लोरा दोनों के लिए वेजिटेशन एक्सेलेंट है और बहुत सारे पेड़ दिखते हैं, अच्छा भी लगता है मुझे। और मित्रों देखिए मैं आपको थोड़ा सा अंदर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए SBC राजधानी, सैल्यूट टू भारतीय रेल और जो भी ऑफिसर्स हैं और जो भी कर्मचारी गण इसको मेंटेन करते हैं, दे आर डूइंग हरक्यूलन टास्क, क्योंकि बहुत बड़ा देश है, बहुत ज़्यादा ट्रेन रन करती है, लेकिन जो प्रीमियम ट्रेन हैं उनमें जो प्रीमियम क्लासेज हैं वो तो बहुत कम हैं, तो उसको अच्छे से मेंटेन रखना चाहिए। और स्टेन्स या अलार्म बेल काम ना करे सही नहीं है। स्टार्टर्स के रूप में टोमेटो सूप आ चुका है और बढ़िया तरीके से दिया गया है और लोकल लेवल पे बना हुआ है, इसमें ऐसा नहीं है कि सैशेज रेडीमेड दिया गया है, बनाया गया बगल की पेंट्री में जो कि 13वें नंबर पे लाई करती है और काफ़ी अच्छा टेस्ट है, आई एम एन्जॉइंग इट। और शुरुआत में ही आप एंट्री किए और 20 मिनट बाद आपको स्टार्टर्स ग्रुप में टोमेटो सूप मिलता है, ज़्यादा चॉइस नहीं है बट टोमेटो सूप इज़ एक्सेलेंट, लाइट है, मुझे पसंद आया। और अब हम जैसा कि मैनेजर से मैंने पहले बता दिया था कि जो शाम को इनऑपरेशनल पेंट्री कारण वी वोंट बी एबल टू सर्व यू, और पेंट्री भी काफ़ी बीच में लगी हुई है तो मैं उम्मीद नहीं करता हूँ कि बहुत ही गर्म खाना आ पाएगा, क्योंकि 6 कोचेज में आप किसको कितने जल्दी पहुँचा पाएंगे। और फिर भी खाना आ चुका है, इट लुक्स वेरी गुड एंड आई एम श्योर इट्स अ डिसेंट स्टफ, और पराठे बहुत ही अच्छे हैं, गरम है हल्के, और सब्जी को मैं चाह रहा हूँ कि क्लोजली आप इसका टेक्सचर वॉच करें, और ये पनीर की बहुत ही सुंदर कॉन्टिनेंटल और मुझे तो बहुत पसंद आया इसका स्वाद, तो क्वालिटी तो फर्स्ट क्लास है, तो रोटी वगैरह को हॉट केस में देना चाहिए बट स्टिल इट्स ओके एंड लेट मी हैव अ टेस्ट, क्योंकि मैंने बेसिकली टेस्ट किया, मुझे तो पसंद आई, लेकिन वी आर नॉट गोइंग अहेड विद द डिनर बिकॉज वी हैव बीन कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड व्हाइल वी केम ओवर हियर। और शाम के वक्त परिवार के बीच में बैठ के खाना तो आप जानते ही अच्छा लगता है, स्पेशली जब आप ट्रेन में आए हों और आपको लगे कोई आपके लिए हॉस्पिटैलिटी कर रहा है। सो अभी तक का सफ़र तो बहुत अच्छा रहा है, सिकंदराबाद ये अब सुबह हो चुकी है और मैं रात में आपको दिखा नहीं पाया काफ़ी जगह, क्योंकि मैं काफ़ी थका हुआ था, और मॉर्निंग में 7:05 पर सिकंदराबाद सामने है हमारे। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन कम सेंटर साउथ सेंट्रल जोन, सिकंदराबाद इसका हेडक्वार्टर्स भी है, और सिकंदराबाद का जो स्टेशन है वो लगभग फोर्ट जैसा बनाया गया है, क्योंकि ब्रिटिश एरा का है तो ब्रिटिश आर्किटेक्चर, कुछ निज़ाम आर्किटेक्चर ये दोनों ही डोमिनेट करते हैं, तो इस तरीके से ये बनाया गया और काफ़ी सुंदर माना जाता है, टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है ये मेजर। और सामने मैं देख सकता हूँ लिंगापल्ली विशाखापट्टनम एक्सप्रेस का डिपार्चर है और ब्यूटीफुल स्केपिंग सनराइज़ इन द मॉर्निंग, सो सनराइज़ इन द मॉर्निंग एंड द सेकेंड एपिसोड डोंट मिस, इट इज़ गोइंग टू शो यू हाउ द सनसेट लुक्स फ्रॉम द ट्रेन एंड इट इज़ सो ब्यूटीफुल स्केपिंग व्हाइल वी आर मूविंग टुवर्ड्स इटारसी एंड भोपाल, द स्केपिंग वॉज वंडरफुल विथ होशंगाबाद जंगल्स ऑल अराउंड यू, सो डोंट मिस, सब्सक्राइब एंड वॉच द सेकेंड एपिसोड ऑल्सो। और हैदराबाद का सबसे बड़ा है, तो हैदराबाद और जो सेकेंड स्टेशन है जिसको हम कहते हैं हैदराबाद डेक्कन रेलवे स्टेशन, दैट इज कॉल्ड नामापल्ली एंड थर्ड इज काचीगुड़ा। और हैदराबाद महमूद नगर जो लाइन है वो छोटी लाइन थी जिसको अभी ब्रॉडगेज में कन्वर्ट किया गया हाल में ही, और इसके अलावा जो मनमाड लाइन है काचीगुड़ा मनमाड लाइन वो डीजल ड्रिवन है, वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाइड नहीं हुई थी अभी। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है और इसमें कटलेट्स हैं, उपमा भी है, हालांकि आप उनसे पूछिएगा तो वो उपमा आपको दे सकते हैं। करने लायक इनका उपमा था, बहुत ही टेस्टी था, कटलेट इज गुड
एंड चाय दो या तीन बार उन्हें देना पड़ा उनको ठंडी होने के कारण, बट इट इज़ ऑल्सो गुड. सो वी आर एंजॉइंग आवर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आफ्टर सिकंदराबाद एंड सनराइज. ब्यूटिफुल सनराइज. एंजॉय विथ मी दीज स्पेशल मोमेंट्स विथ म्यूजिक. Put headphone, enjoy the music. This is how you will travel with me, your host Dr. Manish, and I'm sure the journey is going to enchant you. Do not miss. Spare next 20 minutes with us. मॉर्निंग की टी काफी ठंडी थी, दो बार उसको ठीक करने के लिए बोला गया तो ठीक हुआ. रेलवे कटलेट का टेस्ट अच्छा है, थोड़ा नमक है, आई जस्ट टिकन इट, इट्स गुड. और उपमा का टेस्ट भी मैं करके चलियो. द रेलवे कटलेट इज गुड, बहुत भी अच्छा है. अंदर बनाया इसलिए हल्का गर्म है, तो रात के खाने की तुलना में इसको मैं ज़्यादा बेहतर समझूंगा, क्योंकि रेस्टोरेंट के स्वाद के हिसाब से और बैलेंस के हिसाब से और क्वालिटी ऑफ प्रेजेंटेशन के हिसाब से मैं 10 में से इसको लगभग 7 का रेटिंग देता हूँ. सो काजीपट रेलवे स्टेशन विच इज़ नेक्स्ट टू सिकंदराबाद वी हैव कम टू. दिस इज द ओनली वन स्टेशन रिप्रेजेंटिंग तेलंगाना वेर वी पासिस फ्रॉम SBC राजधानी पासिस फ्रॉम कर्नाटका then Andhra, then Telangana, and then MP, Maharashtra, UP, and then New Delhi. Kajipet comes in the south central zone, and it has Nagpur, and then Kajipet, Vijayawada, Nagpur, Sikandrabad, and New Delhi, Chennai line, which passes through it. And Kajipet, as spoken, is again a station with three platforms and six tracks. And now we have left, and this is Wadipally Lake that comes in Hanumkonda district, because Kajipet lies in Hanumkonda district. Beautiful escaping, enjoy. See the beautiful escaping.
So the episode 1 covers the sunrise, and episode 2 is full of picturesque and beauty escaping. और सनसेट आप देखिए, इसमें कितना प्यारा इटारसी की तरफ जाते हुए लगता है. ब्यूटीफुल वेस्टर्न घाट्स एंड पलाश एरियाज एंड माउंटेंस अराउंड इट एंड ट्रिविया एंड फैक्ट्स प्रेजेंटेड टू यू. सो डू नॉट मिस द सेकेंड एपिसोड. विद इन अ डे और टू यू विल फाइंड इट प्रीमियर एट डॉक्टर सत्संगी व्लॉग. एंड डोंट मिस हिटिंग अ bell icon. We love you to comment and write what best we can do. We're all amateurs and we're learning to just send the wave of awareness and let people switch on to railways for their travel needs. All the best. Continue with us. Thank you so much.